एहसन इकबाल साहब, ये जो आप वफाक और पंजाब आमने सामने आ गए हैं, तो इसमें वफाकी आप वजीर दाखिला भी रहे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। अब वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है कि अगर एक कोर्ट का फैसला है कि जी शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए, पंजाब पुलिस जो है वो बात नहीं मान रही, वफाक क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के आइन में हर मसले का हल मौजूद है, और मैंने ये बात एक पहले किसी प्रोग्राम में कही थी कि जो पंजाब हुकूमत इमरान खान जिस तरह चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, मैं उम्मीद करता हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब, जो कि बहुत जहां दीदा हैं, तजुर्बेकार हैं, वो आइन के अंदर उन हदूद को देखेंगे जो सूबाई हुकूमत की हैं और जो वफाकी हुकूमत के या आइन और कानून के इख्तियारात हैं। क्योंकि जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, ये अपने खिलाफ एक मुकदमा कायम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के आइन में जब इस किस्म की एनार्की की सिचुएशन कोई सूबा पैदा करे तो उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म के कोई इंतहाई कदम की तरफ हमें जाना पड़े, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिन मसाइल से इस वक्त दोचार है वो किसी नए बहरान का नहीं हो सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा जो कवानीन हैं, जो इदारे हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। कानून में कोई गुंजाइश है कि वफाकी हुकूमत को मतलूब है कैदी, उसको कैसे लेके आएगी? नहीं, आईन और कानून बहुत, जब आप कोई सूबा वफाक के कवानीन के खिलाफ या आईन के खिलाफ बगावत कर दे तो उसके बाद आईन ये कहता है कि आप वहां की हुकूमत को डिसमिस कर सकते हैं, आप वहां पे गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। नहीं, लेकिन वो एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड तवील प्रोसेस है। जी जी, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब इलाज आइन के अंदर मौजूद है, हम नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं, और चूंकि वो एक बहुत इंतहाई कदम होगा। लेकिन पंजाब में जो पीटीआई की हुकूमत है, जिस तरीके से वो पंजाब की पुलिस को विक्टिमाइज कर रही है या उसको निशाना बना रही है, इंतजामिया को, सिविल सर्विस को निशाना बना रही है, पंजाब के पूरे इंतजामी ढांचे को जिस तरीके से वो सियासत में झोंकना चाह रही है, मैं इस चीज से भी शायद नहीं देखता कि किसी वक्त हो सकता है कि वहां की जो इंतजामी मशीनरी है वो पीछे हट जाए कि भी हम इस जंग के अंदर नहीं अपने आप को झोंकना चाहते। आप एक इंतजामी बहरान पैदा कर देंगे। तो लिहाजा नहायत ही तदब्बर और फरासत के साथ चौधरी परवेज इलाही के ऊपर जिम्मेदारी है, वो वजीरे आला है, वजीरे आला इमरान खान नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ज्यादा, जैसे कहते हैं, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन के इस किस्म के इकदामात उठाए कि जिससे वो वफाक के या अदालत के या आइन के कवानीन से मुतसादिम होंगे, तो उसके बाद फिर आइन और कानून उसका जरूर इलाज बताता है, फिर वो खुद अपनी हुकूमत को खतरे में डाल रहे हैं। शुएब साहब, एक कैदी हैं शहबाज गिल साहब, उनके लिए पूरी अडियाला जेल की इंतजामिया तब्दील कर दी गई है और इमरान खान साहब जो हैं वो ऑर्डर जारी कर रहे हैं, ये क्या कानून के मुताबिक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उसके साथ पहली रात हुआ, आम कैदियों वाला सलूक करें, उसको स्पेशल प्रोटोकॉल ना दें, तो इसका मतलब है कि वो किसी और की बात मान रहे थे, अंडर एक्सट्रेनियस कॉन्सिडरेशन वो ऑर्डर्स ओबे कर रहे थे, मीनिंग देयर बाय उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये ठीक बात है कि अगर किसी ने इलीगल काम किया है, किसी ने किसी एक कैदी को भी अगर गलत तरीके से डील किया है, अनफेयर ट्रीटमेंट की है, तो मीनिंग देयर बाय उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये बात दुरुस्त एक्शन है उनके खिलाफ, टू दैट एक्सटेंट के ट्रांसफर पोस्टिंग तो वैसे भी एग्जीजेंसी अफसर। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप आज खुद पंजाब के वजीर दाखिला साहब जो हैं हाशिम डोगर साहब, उन्होंने खुद बहुत क्लियर अल्फाज में कहा है कि शहबाज गिल के साथ अगर कुछ हुआ है तशद्दुद का मामला तो वो इस्लामाबाद में हुआ है, रावलपिंडी की अडियाला जेल में नहीं हुआ, तो फिर अडियाला जेल की इंतजामिया को क्यों तब्दील किया? देखिए, अडियाला जेल को उस दिन रात को चक्की में किसने रखा, किसके ऑर्डर से रखा, किसके कहने पर रखा, तो ये तो एक एक्शन तो है। चक्की में रखने का मतलब ये है कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया, मतलब ये देखें, या तो आम हवालात की तरह अगर आपने रखना था, आप हवालात के साथ हम चक्कियों में रह के आए हैं, यानी हम चक्कियों में रह के आए, हम भी सजाए मौत के कैदियों की चक्कियों में रह के आए। पहली बात, एक मिनट, देखिये, गुजारिश ये है, मैं आपके प्रोग्राम पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि शहबाज गिल आज अडियाला जेल में 100 गुना बेहतर है जिन हालात में राणा सनाउल्ला को रखा गया, जिन हालात में ख्वाजा साद रफीक को रखा गया, जिन हालात में ख्वाजा आसिफ को रखा गया, जिस अज़ियत और तशद्दुद एक वहां पे एक किस्म के सख्त हालात में शहबाज शरीफ साहब को सब्जेक्ट किया गया, आपको भी चक्की में रखा, मुझे भी चक्की में रखा गया, मैं 1.25 महीने अडियाला जेल सजाए मौत के कैदियों में चक्की में रखा। आप जब चक्की में थे तो आपकी पार्टी आपके पीछे इस तरह क्यों नहीं आती थी जिस तरह इमरान खान शहबाज गिल के पीछे जा रहा है? हमने बहादुरी के साथ जेल का सामना किया है, पार्टी उस वक्त भी आती थी
और उसका शोर मचाती थी। क्या ये एक सवाल नहीं बनता कि जिस तरीके से शुएब शाहीन साहब जो इस्लामाबाद बार के सदर हैं तो पीटीआई ने उनको वकील बना दिया है शहबाज गिल का, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी इस तरह वकील पीछे क्यों नहीं लगाती? हम भी डिफेंड करते थे। लेकिन सिर्फ अलमिया ये है कि हमारे दौर में आज अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया आजाद है, इन लोगों को दो दो दिनों में जुडिशियल रिमांड मिल जाता है। हम तो छह छह महीने चार चार महीने जुडिशियल रिमांड के लिए हम तरसते रहते थे, हमें तो ये 14-14 दिन का जिस्मानी रिमांड दे के फारिग कर दिया जाता था, और हमें तो जमानतों के लिए 16-16 महीने 12-12 महीने। शुएब शाहीन साहब आप माने कि 124A का मुकदमा बना जवेद लतीफ साहब के खिलाफ, 124A का मुकदमा बना है शहबाज गिल के खिलाफ, जवेद लतीफ साहब का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड था, इनका तो सिर्फ 2 दिन का। देखें किसी जगह जवेद लतीफ ने ये नहीं कहा उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। कल मेरे प्रोग्राम में कह के गए हैं कि मैंने बताया नहीं, और मेरे साथ ये गलत किया जो उन्होंने साथ बताया। उन्होंने कहा मेरे साथ भी वैसा ही तशद्दुद हुआ जैसा कि शहबाज गिल के साथ। अगर उसके साथ हुआ हम उसकी मुज़म्मत करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, जहां जहां ह्यूमन राइट्स वाले इंसान है, मैं कहता हूं कत्ल भी किया है आप उसको कानून के मुताबिक प्रोसीड करो, किसी के खिलाफ हत्यारे का मुकदमा है कानून के मुताबिक प्रोसीड करो। ये कौन सा तरीका है कि आप तशद्दुद करें? जिस इंस्टीट्यूशन ने सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देनी है, अगर उनको हम तशद्दुद पे लगा देंगे ना कोई शहरी महफूज होगा ना कोई साफी महफूज होगा, सवाल है जो ना कोई आम वर्कर क्रिटिकल।